ये केस 18 अप्रैल 2019 को टेलीकास्ट हुआ है, जो कि हम सबका फेवरेट एक्टर संजीव तियागी साहब ने सारा केस कुछ साल किया है। तो मेरी भाइयों, ये एक प्रोमो वीडियो है, पूरा वीडियो एक या दो दिन में यूट्यूब पर अपलोड होगा। खैर, ये सब छोड़कर केस की तरफ बढ़ते हैं। इस केस में 5 लोगों का मर्डर हो गया है, जिसमें 2 लड़कियाँ और 3 लड़के शामिल है। कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होता है कि सबसे पहले एक लड़का जिसका नाम अभिषेक था, इसका शादी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, लेकिन वो उस शादी के डेट पे करने से इनकार करता है। अभिषेक जिस लड़की से शादी करता है, इस लड़की का नाम अनिंद्या है और वो अभिषेक के साथ एक आईटी कंपनी में काम करती है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद वो दोनों गायब हो जाते हैं और कुछ दिन बाद अनिंद्या का कटा हुआ सर एक बुजुर्ग आदमी की बॉडी से लगा हुआ मिलता है और अनिंद्या को काली चश्मा पहना हुआ है। तो पुलिस को खबर होता है और संजीव सर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। संजीव सर बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस अंधे केस का कोई सुराग नहीं मिलते और सारा शक अभिषेक पर जाता है। फिर पुलिस को इस बुजुर्ग आदमी का घर एड्रेस मिल जाता है, लेकिन इससे भी कोई क्लू सामने नहीं आता है। संजीव सर हर एंगल को टटोलता है, लेकिन ये केस उलझने के बजाय और सुलझने जा रहा है और सारा शक अभिषेक की तरफ चल जाता है। पुलिस अभिषेक का कॉल रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड सब कुछ चेक करता है, इसके बावजूद भी सब कुछ सही होता है। फिर इसके अगले दिन 2 और बॉडी और एक कटा हुआ सर मिल जाता है। सर इस बुजुर्ग का और दर्द एक लड़की का होता है। पुलिस को समझ नहीं आता कि ये क्या मामला है। तो फिर एक बार का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, जिसमें अभिषेक के साथ दारू पीने वाला 2 आदमी साफ नज़र आती है और पुलिस अब इस दोनों आदमियों को तलाश करते हैं। जब वो दोनों आदमियों का पता चलते हैं, तो पुलिस वो गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू करते हैं और वो दोनों इन 4 मर्डर को कबूल करते हैं। पुलिस इसको बताते हैं कि आप लोगों ने अपनी इस दोस्त को क्यों मारा है, तो रोकर बताते हैं कि हम दोनों ने बहुत गलती की है, क्योंकि अभिषेक एक निकदिल इंसान थे, वह हमें पैसे और अपना सब कुछ देते थे, लेकिन हम दोनों बेरोज़गारी से तंग आ चुके थे और अभिषेक ने हमें कंपनियों में जॉब ढूंढने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों हर इंटरव्यू को फेल करते थे। तो इसी वजह से हम एक बाबा के पास गए और बाबा को बता दिया कि हमें जॉब क्यों नहीं मिली। तो बाबा ने हम लोगों को बताया कि आप लोग ऐसा करो जैसा मैं बोलूं। तो इस बाबा के बाद हमने मानी और अपने अच्छे दोस्तों को कत्ल कराए।